everyone, this is Ajay Srivastav. Welcome back to a brand new video of Play Learner. And in today's video, we will discuss about French Revolution. तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. पहला टॉपिक है हमारा बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट. इसमें हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब होती है और कैसे होती है. और जब हम ये पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत क्यों होती है, तो हमें रिवॉल्यूशन से पहले की फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जानना होगा, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि फ्रांस की सोसाइटी कैसे चलती थी, क्या क्या नियम कानून थे, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और वो कैसे रन करती थी. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्रांस की जो 90% पॉपुलेशन थी, जो कॉमनर्स थे, उनको फ्रांस की सोसाइटी कैसे अफेक्ट करती थी. जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें लोगों की जीवन कैसे प्रभावित होती थी. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड इन टू प्रिविलेज. इस टॉपिक में हम मिडिल क्लास लोगों की एंट्री देखेंगे. इस रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास लोगों की कितनी अहम भूमिका होती है उस पर चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन देयर इज अ वार्म रिक्वेस्ट टू यू दैट इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन टू सब्सक्राइब एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकॉन. फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड नॉलेजेबल कंटेंट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. तो शुरुआत से शुरू करेंगे. लेट्स बिगिन विद द हिस्टोरिक डे 14 जुलाई 1789. तो इस दिन की सुबह फ्रांस के कैपिटल पेरिस में कुछ बड़ा और भयानक होने वाला था. पूरा शहर अलर्ट पर था. इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई थी. ऐसे र्यूमर्स भी फैल रहे थे कि पूरे शहर में आर्मी डिप्लॉय किए जाएंगे. पर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया भाई, ये शहर अलर्ट पर क्यों था और ऐसे र्यूमर्स क्यों फैल रहे थे. तो ये सब जानने के लिए तो हमें पेरिस जाना होगा. हाँ, तो पहुंच गए पेरिस हम लोग. तो नए शहर में हम लोग को प्रशासन से कोई झोल झाल नहीं चाहिए, तो प्रशासन को पहले साइट कर देते हैं. अब ठीक है. तो 14 जुलाई की सुबह इस बिल्डिंग के सामने लगभग 7, बाय द वे ये बिल्डिंग जो है ये द सिटी हॉल ऑफ पेरिस है. इस बिल्डिंग का नाम है द होटल डी विले. तो 14 जुलाई की सुबह इस बिल्डिंग के सामने लगभग 7,000 की संख्या में लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं. और आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि 7,000 की पॉपुलेशन ना तो छोटी होती है और ना ही इनके द्वारा किए जाने वाला प्रोटेस्ट छोटा होने वाला था. तो इन लोगों को अपने प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हें बस गवर्नमेंट को दिखाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना था, बल्कि कुछ बदलाव लाने के लिए प्रोटेस्ट करना था. तो द सिटी हॉल ऑफ पेरिस से बहुत सारे ग्रुप बनते हैं जो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर दंगे करने वाले थे. ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाते थे, वहाँ से हथियार चुरा कर पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते थे, आग वाग लगा देते थे. उसके बाद फाइनली सब लोग इकट्ठा होकर ईस्ट की ओर बढ़ते हैं. ईस्ट में था बैस्टिल प्रिजन. इस पिक्चर में जो आपको किला दिख रहा है ना, वही है बैस्टिल. ये बिल्डिंग सिटीजन्स को बहुत नापसंद था, क्योंकि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की पावर को दर्शाता था. इस बिल्डिंग में कैदी बहुत कम थे, मगर हथियार बहुत ज़्यादा. और जब लोग बैस्टिल पे पहुंच गए तो वहां के कमांडर ने उन पर हमला कर दिया. फिर वहाँ एक वायलेंट बैटल होता है जिसमें कमांडर की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो सिटीजन्स थे, जो प्रोटेस्टर थे, उनकी तादाद, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी. और जब कमांडर की हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया. और इस दिन शहर के बहुत सारे बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया था. तो आपने ये तो जान लिया कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था. अब हमें ये जानना है कि ये क्यों हुआ था. तो उसके लिए हमें 18 सेंचुरी की फ्रांस सोसाइटी को देखना होगा, गवर्नमेंट के बारे में जानना होगा और फ्यूडल सिस्टम को भी पढ़ना होगा. तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी. अब हम लोग 18th सेंचुरी के फ्रांस के बारे में जानेंगे. ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये पूरे यूरोप का मैप है और इसमें जो एरिया रेड कलर से कलर्ड है वो फ्रांस है. फ्रांस की गवर्नमेंट की बात करें तो फ्रांस में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 18 सेंचुरी में थी वो था मोनार्की, मतलब राजवाद, मतलब राजा का शासन. और गद्दी पर कौन विराजमान था, तो ये साहब, इनका नाम था किंग लुईस 16. इनकी एक बेटर हाफ भी थी जिनका नाम था मैरी एंटोनाइट. ये ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस थी. जब किंग लुईस 16 20 साल के थे तब वो इन दोनों की शादी कर दी जाती है. तो चलिए किंग लुईस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो इन्हीं के हाथ में था, सारा डिसीजन इन्हीं का था. तो सबसे पहले हम राजा जी की तस्वीर लगा देते हैं और इनका नाम भी डाल देते हैं. और हमारा उसूल भी है कि बुराई करेंगे तो सामने में करेंगे, बैक बाइटिंग वाइटिंग हमारे उसूलों के खिलाफ है. हाँ, तो किंग लुईस 16 किंगडम ऑफ फ्रांस के आखिरी राजा थे. बॉर्बन फैमिली के वारिस थे, जिसके कारण 1774 में इनको फ्रांस की गद्दी मिली और 1792 में इनकी राजद्रोह के इल्ज़ाम में हत्या भी कर दी गई थी. और अपने तो गए ही, साथ में अपनी पत्नी को भी लपेट लिया. इनकी हत्या के बाद इनकी वाइफ की भी हत्या कर दी गई थी.
खैर, तो जब लुई 1674 में फ्रांस के राजा बने तो फ्रांस ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इसका मेन रीज़न था सेवन ईयर वॉर। 7 सालों तक 1756 से 1763 तक फ्रांस ब्रिटेन से युद्ध करता रहा, जिसमें पैसा पानी की तरह बहा और युद्ध फ्रांस हार भी गया, जिससे फ्रांस की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। किंग लुई 16 जब राजा बने तो इन्होंने फ्रांस को और भी बर्बाद कर दिया। इनको फ्रांस की हालत ठीक करनी थी, पर इन्होंने अमेरिका के साथ जाकर एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद करने में फ्रांस अमेरिका की हेल्प करेगा। और फ्रांस ने हेल्प किया भी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने अमेरिका को हर तरह से सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मिलिट्री सपोर्ट, और इसी की बदौलत अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट भी हो गई। बट फ्रांस की हालत और बेकार हो गई। फ्रांस 2 बिलियन के डेब्ट में चला गया, और जो लेंडर्स थे जिन्होंने फ्रांस को क्रेडिट पे पैसे दिए थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करना शुरू कर दिया था। तो फ्रांस का जो मैक्सिमम पैसा था वो तो डेब्ट चुकाने में चला जाता था। उस पर से जो स्टेट के रेगुलर एक्सपेंस थे, जो आर्मी मेंटेन करने में जो कॉस्ट आता था, गवर्नमेंट बिल्डिंग और यूनिवर्सिटीज़ को रन करने में जो एक्सपेंस आता था, उसको भी तो मीट करना था। तो इन सब को मैनेज करने के लिए लुईस ने हाई टैक्सेशन लगा दी, मतलब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी आपको क्वीन लुईस के बारे में आइडिया हो गया और फ्रांस के फाइनेंशियल क्राइसिस के रीज़न भी पता चल गए होंगे। अब फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं, फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, जिसको कि ओल्ड रिजिम भी बोला जाता था फ्रांस में, मतलब पुराना शासन। तो फ्यूडलिज्म के अंदर ही एक सिस्टम था जिसको स्टेट सिस्टम बोलते हैं, ESTATE, स्टेट सिस्टम। तो इस सिस्टम के तहत फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था रोमन कैथोलिक क्लर्जी। क्लर्जी में मॉन्क्स आते थे, नंस हो गए, पादरी हो गए, प्राइस्ट हो गए। सो बेसिकली जो पादरी होते थे, जो भी लोग चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, वो लोग फर्स्ट स्टेट के मेंबर होते थे। सेकंड स्टेट में फ्रांस नोबिलिटी आ गई, इसमें किंग आ गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए, और वो लोग आ गए जिसको किंग ने मिलिट्री सर्विसेज के बदले लैंड प्रोवाइड की हो। थर्ड स्टेट हो गया कॉमनर्स का, जिसमें आम लोग और गरीब लोग आते थे। मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो थर्ड स्टेट, ये कैटेगरी फ्रांस के 90% पॉपुलेशन को एक्वायर करती थी। इसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स से लेकर पीजेंट्स, लैंड लेबर और सर्वेंट्स आ गए थे। और थर्ड स्टेट में भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स, किसानों की, और लैंडलेस लेबर्स की। बट इस सिस्टम में एक फॉल्ट था, बहुत बड़ा फॉल्ट था। फॉल्ट वो प्रिविलेज थे जो पहले 2 स्टेट को मिली थी। मैं सारी प्रिविलेज की बात तो नहीं करूँगा, बट जो मेन प्रिविलेज था, जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, वो था क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, केवल थर्ड स्टेट वाले लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ता था, और पीजेंट्स को टिथ्स भी देना पड़ता था। टिथ्स एक तरह का टैक्स था, इसकी स्पेलिंग हो गई TITHES। तो किसान जो भी प्रोडक्शन करता था उसका 10% प्रोड्यूस उसको चर्च को देना पड़ता था। तो जो भी लोग थर्ड स्टेट के मेंबर थे उनको इतना हेवी टैक्स पे करना पड़ता था, और जो भी प्रिविलेज पहले 2 कैटेगरी वाले लोगों को मिलती थी, ये इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। तो अभी तक तो आपने ये समझ लिया होगा कि फॉल्ट कहाँ कहाँ हुई, काउज क्या क्या बन रहे थे रिवॉल्यूशन के। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हाई टैक्सेशन, और दूसरा फ्यूडलिज्म में जो प्रिविलेज 2 स्टेट को मिली थी वो। तो अब जो हमारा टॉपिक है अगला, वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हमने देख लिया कि फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, और हमने ये भी देखा कि फ्यूडलिज्म के तहत जो कॉम्युनिस्ट थे उनको क्या क्या दिक्कत झेलने को मिलती थी, मतलब सारा टैक्स उनको खुद पे करना पड़ता था। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई थी, मतलब उनका कुछ खास इनकम भी नहीं होता था, पर किसी तरह जो गरीब लोग थे वो लोग गुजारा कर लेते थे, किसी तरह कर लेते थे। पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि उनके जीवन मरण पे बात आ जाती थी। तो उस सिचुएशन को देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन कब आता था। तो 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो कि 1789 में बढ़कर हो गई 28 मिलियन। जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ा, उस पेस से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था। उसके कारण जो भी प्रोडक्शन होता था उसको लेने वाले, उसको परचेज करने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो गया। डिमांड इंक्रीज होने के कारण जो फूड ग्रेन्स थे उसके प्राइस इंक्रीज हो गए। तो एक तो कॉमनर्स जो थे
वो हाई टैक्स भी पे कर रहे थे, ऊपर से जो फूड रेंट था उसका भी प्राइस बढ़ गया था। चलो ये भी मंजूर, मतलब इसमें भी किसी तरह वो लोग मैनेज कर लेते थे, पर दिक्कत तब आ जाती थी जब सूखा पड़ जाता था, ड्राउट आ जाता था। इसमें क्या होता था कि प्रोडक्शन ही नहीं होता था, अगर सूखा पड़ जाए तो फूड ग्रेन क्रॉप बर्बाद हो जाता था, तो प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तब तो जो भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका प्राइस तो और बढ़ जाता था। तो इस सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंचर्ड। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हमें जीवन जीने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए वो खतरे में पड़ जाए, मतलब इनडायरेक्टली हमारा जीवन खतरे में आ जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब लोग स्ट्रगल करते थे सर्वाइव करने में। तो अगला टॉपिक है हमारा अब अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स एंड इन टू प्रिविलेज। तो यहाँ तक आपने देखा कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। उसके बाद हमने द स्ट्रगल टू सर्वाइव भी देख लिया कि लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती थी। अब हम बात करेंगे भला एक आदमी कितने दिनों तक उस दिक्कत को झेले, कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट करेगा ही ना। ये जो दिक्कत हो रही थी वो फ्रांस की 90% पॉपुलेशन को हो रही थी, कोई छोटी मोटी नहीं, 90% पॉपुलेशन। तो कभी ना कभी तो इसे रिवोल्ट करना ही था। तो अब हम उसकी शुरुआत देखते हैं कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन शुरुआत होती है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड इन टू प्रिविलेज। रिवॉल्यूशन के बहुत पहले से जो गरीब लोग थे या जो लोग सर्वाइव कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उन लोगों ने कई बार ग्रुप्स बनाकर रिवोल्ट करना चाहा अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स एंड हाई प्राइस। पर उनके पास साधन न होने के कारण उनका रिवोल्ट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता था जिससे कि सोशली या इकोनॉमिकली कोई बदलाव आए। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने जो कि थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोगों के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि थर्ड स्टेट में होने के बावजूद ये मिडिल क्लास लोगों के पास वेल्थ कैसे आता था। तो हमने पहले भी बात किया था कि थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन्स और मर्चेंट्स भी आते थे। 18th सेंचुरी में ओवरसी ट्रेड काफ़ी एक्सपेंड कर रहा था जिससे मर्चेंट्स और बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। मर्चेंट्स और बिजनेसमैन्स के अलावा थर्ड स्टेट में कोर्ट लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे जो कि काफ़ी एजुकेटेड थे। उनके पास कई सारी न्यू आइडियाज़ थी। उनका मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल को बर्थ से ही कोई प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए बल्कि एक इंडिविजुअल की सोशल पोजीशन उसके मेरिट से तय होनी चाहिए। तो जब मिडिल क्लास लोग इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने लगे तो पूरा थर्ड स्टेट मतलब जितने भी गरीब लोग थे जो सफ़र कर रहे थे उनके मन में भी एक होप जगी जो न्यू आइडिया इन एजुकेटेड लोगों ने दी, लाइक सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इससे सभी के मन में एक बदलाव की उम्मीद जगी। तो मैं इस सिचुएशन को ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि पेट्रोल छिड़क दी गई थी, बाकी था तो बस चिंगाड़ी डालना। मतलब सबके मन में वो बदलाव की इच्छा आ चुकी थी, बट बाकी था तो बस रिवोल्ट करना, एक प्रोटेस्ट करना, और चिंगाड़ी डालने का काम किया फिलोसोफर्स ने। तो फ्रांस के जो थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो अमेरिका से बहुत प्रभावित थे। जो 13 कॉलोनीज अमेरिका के इंडिपेंडेंट हुए थे उनमें नियम कानून जैसे बनाए गए थे, इंडिविजुअल राइट जैसे थे, वैसे ही कुछ सिस्टम फिलोसोफर्स फ्रांस में भी चाहते थे। इस आइडिया को आगे ले जाने का काम किया 3 फिलोसोफर्स ने। पहले थे जॉन लॉक, दूसरे जीन जैक रूसो और तीसरे थे मेंटेस्क्यू। जॉन ने अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की एब्सोल्यूट पावर को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आइडिया दिया। रूसो ने जॉन की ही दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की आइडिया को और डिटेल में लिखा अपनी बुक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि सभी को अच्छे से समझ आ जाए। मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में गवर्नमेंट के अंतर्गत डिवीजन ऑफ पावर की बात कही बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और गवर्नमेंट का यही मॉडल अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज में भी चल रहा था जिसको कि फ्रांस ने इंडिपेंडेंट कराया था। तो जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई तो इसके अंदर जो दिए गए आइडियाज थे तीनों फिलोसोफर्स के द्वारा, ये आग की तरह पूरे फ्रांस की सोसाइटी में फैल गई और ये आइडियाज़ को हर जगह डिस्कस किया जाने लगा। जो कॉमनर्स थे वो हर जगह इनकी लिखी गई बातों पर डिस्कशन करते थे, चाहे वो सलून हो गया या कोई कॉफ़ी हाउस हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया। और तभी एक बड़ी न्यूज़ आती है कि लुई XVI फिर से टैक्सेशन बढ़ाने वाले हैं क्योंकि उनके एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे हैं। बस यही वो न्यूज़ था जिसने चिंगारी लगा दी और शुरू हो गया प्रोटेस्ट।
पर आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ में ही फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होती है उसको भी देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।